जानवरों को कुर्बानी से पहले जो बेचने वाले हैं जब वो मंडी में लाते हैं तो उससे पहले वो इनके सींग रिमूव करते हैं। वो कैसे रिमूव करते हैं कि वो इस गाय को यहाँ पे लोकल एनेस्थीजिया देते हैं। लोकल एनेस्थीजिया देने के बाद वो ड्रिल मशीन से, जी हाँ ड्रिल मशीन से, इनके सर के ऊपर होल करते हैं, इन सींगों को रिमूव करते हैं। और फिर जब वो उनको रिमूव करते हैं तो वो जानवर ऐसे हो जाते हैं। ये देखिए, ये सारे वो जानवर हैं जिनके सींग रिमूव किए गए हैं। और ये एक शराई ऐब है। ये देखिए, अगर आप इस बैल को यहाँ पे देखिए तो इसके सर के ऊपर अभी भी वो जख्म है। आप यकीन जानिए कि ये जो सींग रिमूव किया गया है ये आज से 4 महीने पहले किया गया है और ये जख्म अभी तक नहीं भरा, अभी तक इस पे मक्खियां बैठ रही हैं। और ये जो जानवर इतना हाथ लगाने से डर रहा है वो उस पेन की मेमोरी की वजह से डर रहा है, वो उस पेन की वजह से डर रहा है जो अभी तक उसके दिमाग में रची बसी हुई है। ये देखिए इस जानवर को, ये भी हाथ लगाने से डर रहा है उस ऑपरेशन की वजह से जो 4 महीने पहले सींग रिमूव करने के लिए इसके साथ किया गया था। जबकि आप इधर आइए, ये देखिए, ये एक जानवर है, इसके सर पे सींग है लिहाजा इसके पास पेन की कोई मेमोरी नहीं, तो ये कितने आराम से प्यार करवाता है। फातिनो हजरात, शरई तौर पे जो जानवर कुर्बानी के लिए पेश करेंगे उसके अंदर कोई नुक्स नहीं होना चाहिए। और ये खूबसूरती के नाम पे जो सींग काटे जा रहे हैं ये एक शरई नुक्स है और जानवर के ऊपर इसके लिए शदीद किस्म का जुल्म किया गया है। एक्सपर्ट्स ने हमें बताया कि 10 में से एक बैल और गाय वगैरह तो इस पेन की वजह से मर जाते हैं, लेकिन इसको किया जाता है फिर भी क्योंकि इससे हमें जानवर खूबसूरत लगता है खरीदार को और कीमत 5 से 10 हजार रुपए बढ़ जाती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि कुर्बानी के लिए की जाने, कुर्बानी के जानवर के साथ ये जो जुल्म हो रहा है हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं। जानवर खरीदते हुए मेक श्योर करें कि उसके सींग मौजूद है क्योंकि इससे कुर्बानी जायज नहीं रहती, क्योंकि जानवर के अंदर नुक्स पैदा कर दिया गया है। और प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, ये हम सबके लिए सदका जारिया है।